रंगों के पर्व यानी होली में बस कुछ दिन और बाकी है। बाजार रंग, पिचकारी और गुलाल से सज गए हैं। घरों में चिप्स और पापड़ बनने की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। वहीं ई कॉमर्स साइट्स और मॉल्स में होली की एक्साइटिंग सेल्स शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इस बार होली 25 मार्च यानी कि मंडे को पड़ रही है। ऐसे में एक लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है। अगर इस बार आप होली अपने दोस्त और परिवार के साथ कुछ खास तरीके से मनाना चाहते हैं तो आप मथुरा वृंदावन जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको कौन सा रूट लेना है, कहाँ ठहरना है और होली कहाँ पर मनाना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जाने की। दिल्ली से मथुरा वृंदावन जाने के लिए आपको बहुत ही कम किराए में ट्रेन और बस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। मथुरा के लिए आपको 200 रुपये से भी कम में ट्रेन की टिकट और 500 रुपये तक में प्राइवेट बस मिल जाएगी। जहाँ तक वहाँ रहने की बात है तो आपको मथुरा में 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक में अच्छे होटल का कमरा आसानी से मिल सकता है। अब बारी आती है खाने की। आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन के स्ट्रिप पर आपको खाने के भी ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में 2 लोगों के लिए 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक में भरपेट खाना मिल सकता है। ये तो बात हो गई जाने, रहने और खाने की। अब आते हैं मथुरा वृंदावन में होली कहाँ खेलें। वैसे तो पूरे मथुरा में होली बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है, लेकिन राधा रानी के गांव यानी बरसाने की लठमार होली पूरी दुनिया में फेमस है, जो इस साल 18-19 मार्च को खेली जाएगी। वहीं 21 मार्च को पूरे मथुरा वृंदावन में फूलों वाली होली खेली जाएगी, जिसमें लोग एक दूसरे पर फूल बरसाते हैं। इसके साथ ही 21 मार्च को ही गोकुल में छड़ी मार होली भी होगी। वहीं होली के एक दिन बाद 26 मार्च को हुरंगा होली खेली जाएगी, जिसमें भाभियां अपने देवरों को गीले सूते कपड़ों से मारती हैं। होली के बाद भी आपका कुछ दिन और मथुरा वृंदावन में रहने और एक्सप्लोर करने का प्लान है तो आप यहां पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली श्री बांके बिहारी मंदिर, जहां प्रभु अपने बाल रूप में विराजे हैं, इसके बाद बांके बिहारी मंदिर के बगल में ही आपको निधि वन भी जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाने आते हैं, इसीलिए सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को आने नहीं दिया जाता है। इसके अलावा इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर में दर्शन जरूर करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात इस ट्रिप की कि आप मथुरा वृंदावन में पतली गलियाँ होने के कारण अपनी गाड़ी से नहीं घूम सकते, ऐसे में आपको लोकल रिक्शा का सहारा लेना पड़ेगा। मात्र 300 रुपये से 500 रुपये में ये रिक्शा आपको पूरे शहर के सभी फेमस टूरिस्ट स्पॉट की सैर करा देंगे।